अगर आपका नाम शुरू होता है अंग्रेजी के अक्षर पी से या पा से, तो आप हैं एक परफेक्ट इमेज बनाए रखने वाले, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाकर रखने वाले व्यक्ति। हाजी जवाब है, दिमाग से काफी तेज है, अपने राज छुपा कर रखते हैं, रहस्यमय स्वभाव हो जाता है आपका थोड़ा सा, घंटों सोच में डूबे रहते हैं, थोड़े अशांत मन वाले हैं, अलग थलग दिखने वाले हैं, थोड़ा फ्लर्ट करना भी आपको पसंद है, लेकिन सोशली एक्टिव रहते हैं आप, फैमिलियर वैल्यूज के साथ आप लोग जीते हैं, आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत रहती है नई चीजों की तरफ, दिल खोल कर खर्चा करते हैं, बेहद जिद्दी भी हैं, नकरीले भी हैं, अपने मन की करते हैं, अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बना के रखते हैं, गुड लुकिंग है, स्मार्ट पार्टनर की चाह रखते हैं, उदार है, दूसरों की भी दिल खोलकर तारीफ करते हैं, बोलने में काफी तेज है, हर काम में आगे रहना चाहते हैं, इसलिए मेहनत भी खूब करते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, एक्सप्लोर करने की क्षमता भी आपकी काफी अच्छी है, दोस्तों में आप काफी फेवरेट हैं, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल ही अनलकी रहते हैं, हमेशा यानी कि आखिरी समय तक सच्चे प्यार की तलाश में लगे ही रहते हैं, वैसे अपने पार्टनर का हर कंडीशन में साथ देते हैं, घर परिवार में सभी का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने मान सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नाम और पैसा कमाते हैं, लाइफ में जिस किसी को भी मानते हैं उसे दिल से मानते हैं, दूसरों के प्रति काफी दया भाव भी रखते हैं, लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं, मेहनती बहुत हैं आप, लेकिन कार्य क्षेत्र का चुनाव करने में, सही प्रोफेशन का चुनाव करने में अक्सर आप गलती कर बैठते हैं, इसलिए काफी प्रॉब्लम भी आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, बहुत ही रिजर्व नेचर के होते हैं आप, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो, अगर अकेले भी होते हैं तो किसी ना किसी काम में उलझे रहते हैं, दुनिया जहान की फिक्र छोड़कर अपने आप को काम में ऐसे उलझाए रखते हैं जैसे हर काम आपके लिए एक टास्क हो, अपने हर काम को परफेक्शन के साथ खत्म करना, पूरी सफाई से करना आपके अच्छे गुणों को दर्शाता है, लेकिन कई बार इतनी ज्यादा सफाई से काम करना, आपके काम करने में देरी लगाना, वक्त पर काम ना खत्म होने को भी दर्शाता है, ये आपके लेट लतीफी को दर्शाता है, इस पर आपको वर्क करना होगा, ध्यान देना होगा कि सही समय पर परफेक्शन के साथ काम को, टास्क को कैसे कंप्लीट किया जाए। हमारे नाम का पहला अक्षर बताता है कि हम किस राशि से संबंध रखते हैं, भले ही आपका नाम आपकी जन्म राशि के अनुसार नहीं रखा गया हो, लेकिन जिस नाम से आपको बार बार पुकारा जा रहा है उस नाम से संबंधित राशि का प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेगा। आप ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज को भी जानते होंगे जिन्होंने सफलता पाने के लिए अपने नाम को ही बदल लिया, या फिर अपने नाम के अक्षरों में जरूरी बदलाव किए हैं, क्योंकि नाम के हर अक्षर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। आपका नाम आपकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों को प्रभावित करता है। आपके नाम में ही आपका पास्ट छिपा है, आपका प्रेजेंट छिपा है, आपका फ्यूचर छिपा है। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, आपके नाम में कौन कौन से अक्षर विद्यमान है, इस बात का तो बहुत गहरा असर पड़ता है। फिलहाल नाम की इस सीरीज में हम अपने नाम के पहले अक्षर से स्वभाव और व्यक्तित्व को जानेंगे। तो चलिए आज जानते हैं पी नाम वालों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में। लेटर पी अंग्रेजी के अल्फाबेट में 16वें नंबर पर आता है। लेटर पी को न्यूमरोलॉजी में 7 अंक दिए गए हैं। 7 का ये अंक शक्ति और अध्यात्म को दर्शाता है, स्वतंत्र प्रवृत्ति को दर्शाता है, मौलिक विचारों को दर्शाता है, यात्राओं को दर्शाता है, दार्शनिकता को दर्शाता है, कल्पनाशीलता, रहस्यमय होने को दर्शाता है, साथ ही चंचल प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। वहीं कुछ अंक शास्त्री लेटर पी को 8 के अंक के साथ भी जोड़ कर देखते हैं, इसलिए लेटर पी वालों में मूलांक 7 और 8 के अंकों की वाइब्रेशन देखने को मिलती है। अगर आपके नाम का पहला अक्षर शुरू होता है लेटर पी से, तो आप लोग एक आकर्षक छवि के मालिक हैं। अपने लुक का बहुत ही ख्याल रखते हैं, पहली नजर में ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, काफी टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव माइंड के होते हैं, शानदार पर्सनैलिटी वाले होते हैं, बोलते भी बहुत हैं, हंसमुख स्वभाव के भी हैं,
थोड़े फ्लर्टी भी हैं। आप लोगों को पता होता है कि कैसे अपना टाइम स्पेंड करना है, आपने कैसे मस्ती करनी है। मुश्किल पलों में भी खुशी के पल आप लोग ढूंढ ही लेते हैं। आप लोग पढ़ाई को लेकर भी काफी सीरियस रहते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। ज्ञान जीवन के लिए कितना जरूरी है आप लोग अच्छे से जानते हैं। माइंड विद ब्यूटी, ये शब्द आपके लिए उपयुक्त कहा जा सकता है। लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आपकी छवि और आपकी रेपुटेशन आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। इसलिए आप लोग एक परफेक्ट पर्सनैलिटी के साथ जीने में विश्वास रखते हैं, और एक परफेक्ट पर्सनैलिटी बनने के लिए आप कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। सोशल लाइफ में आप लोगों की खासी दिलचस्पी रहती है। सोसाइटी में भी आप लोग काफी एक्टिव रहते हैं। हाजिर जवाबी आपकी गजब की है। कोई आपको कुछ कह तो दे, कटाक्ष कर तो दे, आप सहन नहीं कर पाते हैं। आप लोग अपने मान सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। वैसे आप दयालु प्रवृत्ति के हैं, दूसरों की मदद करने वाले। अगर दुश्मन आकर आपसे माफी मांग ले तो आप उसे भले ही माफ कर देते हैं, लेकिन पहले जैसा नॉर्मल बिहेवियर आप लोग नहीं रख पाते हैं। आप अपने सिद्धांतों पर जीना पसंद करते हैं। अक्सर लोग आपको इसी कारण से गलत भी समझ लेते हैं। आप लोगों में एक नैसर्गिक गुण ये भी है कि आपका दिमाग काफी तेज होता है, जिसका उपयोग आप ज्ञान पाने के लिए करते हैं। नए नए विषयों में जानकारी रखना, घूमना फिरना, यात्राओं पर जाना और वहां के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना आपको भाता है। कई बार तो आप लोगों से अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, घंटों किसी सोच में डूबे रहते हैं। ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। वैसे भी आप लोग ज्यादातर अपने आसपास एक रहस्यमय माहौल बनाकर रखते हैं, अपने सारे राज अपने अंदर ही रखते हैं। जल्दी किसी के साथ, वो भी पूरी तरह से, तो खुलते नहीं हैं। अपनी पर्सनल लाइफ तो दूसरों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। आपको पसंद ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक अनजाना भय ये समाया रहता है कि कहीं कुछ बता देने से मेरी रिस्पेक्ट में कमी ना आ जाए। लोग आपके बारे में फिर क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, आपके अंदर ये डर सताया रहता है। फिर भी आप अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, अपनी इंटेलिजेंसी के कारण अपने आसपास खुशनुमा माहौल बनाए रखते हैं, और हर कोई आपकी कंपनी को पसंद भी करता है। वैसे भी आप दिल खोलकर खर्चा करने वालों में से हैं। कंजूस तो आपको बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हाँ, थोड़े जिद्दी किस्म के जरूर हैं, करते अपने मन की हैं, अपने शर्तों पर जीते हैं, नखरीले हैं। अड़ियल होने के कारण आपका स्वभाव तानाशाह भी हो जाता है। जहां पर आपकी सुनी नहीं जाती आप लोग वहां से हट जाते हैं, यहां तक कि दोस्ती भी तोड़ देते हैं। अपनी गलती होने पर भी गलती को नहीं मानते हैं, बल्कि बहस करने लगते हैं, तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। वैसे लाइफ में आप सबसे आगे रहना चाहते हैं, उसके लिए आप खूब मेहनत भी करते हैं, अपने व्यक्तित्व में भी निरंतर निखार लाते रहते हैं। आप एक अच्छे वक्ता हैं, लोग आपको सुनना पसंद भी करते हैं। हाँ, कुछ अच्छा लगता है आपको तो आप दूसरों की दिल खोलकर भी तारीफ करते हैं। आपका अपने आप को एक्सप्लोर करने की क्षमता और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इसीलिए आपको मित्रों के बीच में काफी पॉपुलर भी बनाता है। लोग आपके रौब और रुतबे को पसंद करते हैं। वैसे भी आप जरूरत पड़ने पर लोगों की जब तक मदद करते ही रहते हैं। अपने घर परिवार सगे संबंधियों का भी आप पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, आप लोगों को भी अपने घर के लोगों से काफी लाड दुलार मिलता है। बस थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, वरना आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। अक्सर देखा गया है कि आपके जीवन का पहला स्टेज ज्यादा सुख में निकलता है, लाइफ का दूसरा स्टेज आप लोगों की लाइफ में काफी कठिनाइयां लेकर आता है, लेकिन आप तब भी हिम्मत नहीं हारते हैं, निराश होकर बैठ नहीं जाते हैं, हमेशा आगे बढ़ने और सफल होने की कोशिश में प्रयत्नशील रहते हैं। आप लोगों के साथ एक समस्या ये भी देखी गई है कि आप लोग अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग माने, आपको फॉलो करें। दूसरों को आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जिस कारण कई बार लोग आपसे नाराज होकर आपसे दूरी भी बना लेते हैं। वैसे आप लोग दिल के साफ हैं,
कपट नहीं होता आपके मन में। जो लोग आपको जानते होंगे, समझते होंगे, उनके साथ आपके बहुत ही अच्छे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध बने रहते हैं। आप लोग हर काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि आप लोग अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं जितना बढ़ना चाहिए। अक्सर आप लोग अपने सही प्रोफेशन का चुनाव करने में गलती कर बैठते हैं, ये देखा गया है, कंफ्यूज रहते हैं, जिस कारण लाइफ में आपको ठोकरें भी खानी पड़ जाती हैं। फिर भी आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। अगर एक बार आपका डिसीजन सही हो गया, आपने सही प्रोफेशन का चुनाव कर लिया, तो आपको आपके टारगेट से कोई भी नहीं भटका सकता। पैसा भी खूब कमाते हैं और नाम भी। जिस ऊंचाई पर पहुंचने का ख्वाब आप लोग देखा करते हैं, वहां पहुंचना फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। अब बात अगर आपकी लव लाइफ की कर ली जाए, तो प्यार के मामले में आप लोग ज्यादातर अनलकी माने जाते हैं। पहली बात तो ये कि आप लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए प्यार में भी जल्दी किसी को आप लोग अपना नहीं पाते हैं। आप लोगों को हर पल इस बात का ही डर लगा रहता है कि अगर इनसे अपना पार्टनर, आपका प्यार छूट गया तो क्या होगा, इसलिए दिल का फैसला लेने में आप बहुत देरी लगाते हैं। वैसे प्यार में आप बहुत केयरिंग होते हैं, ईमानदार रहते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं दिल की गहराई से करते हैं, प्यार के रिश्ते की पूरी कदर करते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी समझते हैं। एक अच्छे प्रेमी तो होते हैं आप, लेकिन प्रेम के मामले में अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं। अगर पेरेंट्स आपके प्यार के अगेंस्ट हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की बात को ही तवज्जो देते हैं, क्योंकि आपके लिए आपका घर परिवार, आपका मान सम्मान सबसे अहम होता है। परिवार के सम्मान के लिए आप लोग अपना सब कुछ त्यागने के लिए भी राजी हो जाते हैं। आपके इसी गुण के कारण अक्सर आपकी प्रेम कहानी भी अधूरी रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद आप लोग एक अच्छे प्रेमी साबित होते हैं। कई बार तो आप प्यार में हद से भी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो भी जाता है, तो प्यार में तकरार को ज्यादा दिन तक हावी नहीं रहने देते हैं। आप अपने प्यार को खोने से डरते भी हैं। प्यार में अपने आप को अनलकी माने जाने के कारण आप किसी के भी साथ ज्यादा करीब जाने से डरते भी हैं। अब प्यार में अनलकी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी अकेले गुजारते हैं, बिल्कुल नहीं जी। अपने साथी की तलाश आपकी निरंतर जारी रहती है और उसमें अंततः सफल भी हो जाते हैं। जिन्हें आप लोग अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, उनका साथ आप कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना रहे आप दोनों के बीच। अपने जीवन साथी का साथ आप किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी एक का हाथ पकड़कर चलने में आप लोग बिलीव करते हैं, अपना रिश्ता पूरे दिल से निभाते हैं। यही वजह है कि पी नाम वाले लोग एक बेहतर जीवन साथी साबित होते हैं। रिश्तों के मायने ये अच्छे से जानते हैं, अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को एक अहम स्थान भी देते हैं, उन्हें यथासंभव खुश रखने की पूरी कोशिश भी करते हैं। क्योंकि आप स्वभाव से रोमांटिक भी हैं, थोड़े मस्तमौला भी, रोमांस और फ्लर्ट के बिना आप लोग जैसे रह ही नहीं सकते। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी मूलांक 6 और मूलांक 9 वालों के साथ अच्छी देखी गई है। आपकी शुभ तिथि है 7, 16 और 25। आपका शुभ दिन है रविवार, सोमवार यानी कि संडे और मंडे। आपका शुभ रंग है सफेद, पीला, सिल्वर, ऑरेंज, चितकबरा रंग जिसमें काला और सफेद रंग होता है। गहरे रंगों को, खासकर काले रंग का प्रयोग करने से आप बचिए। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।